बैकग्राउंड इमेज बता दिया था ना मैं? हाँ सर, ये बता दिया था मैं, बंद करता हूँ। ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया था। इमेज अलाइनमेंट कौन इसमें कुछ इसमें कुछ रह गया था लास्ट में, एम्बेडेड ऑडियो वीडियो, ठीक है, ये बताना था तुम लोगों को। मल्टीमीडिया, हाँ, वीडियो को कैसे प्ले करते हैं, तो वीडियो प्ले करने के लिए वीडियो होना भी चाहिए ना। ठीक है, तो वीडियो कैसे प्ले करते हैं, ऑडियो कैसे प्ले करते हैं, दोनों के लिए एक ही यूज होता है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, ओपन कर लेते हैं ड्रीम व्यूअर, ड्रीम व्यूअर या सबलाइन टेक्स्ट, दोनों से यूज कर सकते हो। सर ये होम का फिर से एक बार सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास जो नोट्स है। हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज अभी? हाँ आ रही है सर, बोल रहा था कि ये जो ये वो होम का फिर से एक बार सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं होम को मैं शेयर करता हूँ, फिर से भेज दूंगा। लेकिन सॉरी, लेकिन क्या उसमें देखा है ना, क्या इशू आ रही, क्या रही है? ये होम वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। हाँ ये होम वाला, हाँ होम कैसे डिस्प्ले हो रहा है, राइट क्लिक करके, और ये पेज है, ये हेडर है उसका, टेक्स्ट मैसेज लिखा है और ये बॉर्डर, और ये टेबल हमने बनाया, टेबल वैल्यू। सर ये सर सबलाइम टेक्स्ट में हो जाएगा? सब में होगा, रुको एक मिनट तुमको मैं दिखाता हूँ सब में कैसे होता है। ये कोड है ना, सबलाइन टेक्स्ट, मैंने कंट्रोल ए का सबको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सिंपल है, मतलब कहीं भी कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन इसमें ही रखता हूँ कि सबको एक्सेस करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ, मैं नोट पैड पर दिखा देता हूँ, ऐसे कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट किया, इसको सेव करो, होम पेज था तो इसको होम टू कर दो, ठीक है, होम टू, लेकिन एच टी एम एल यहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, होम टू से सेव हुआ, अभी कहाँ सेव हुआ, सेव एज, डेस्कटॉप पे जाना है और एच टी एम एल कोड में जाना है और इस प्रोजेक्ट में जाना है, फिर यहाँ पर सेव करना है डॉट एच टी एम एल वहाँ से हो गया। अब इसको करो, ओपन करो, ठीक है ना, हाँ, सब खुलेगा, हाँ सब पेज खुलेंगे। तो ये क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम व्यूअर पर करेंगे, ये प्लेटफॉर्म बनाता है कि हम कोड लिखते हैं कि मेरे टास्क को और इजी कर देता है, इंटरेस्टिंग। हेलो, ये हाँ इंटरेस्टिंग और फेमिलियर बना देता है इसको करने के लिए।
ठीक है। ओके सर। तो अभी इसमें कुछ बताना इस कोड में और कुछ नहीं बताना नहीं है इसको, यही सेंड कर दीजिएगा होम का सब। ओके सिक्कू तो मेरे को मिला, मैं देखता हूँ। ओके मिला भी, इसको डाउनलोड करता हूँ। ये है दो दो फाइल है, एक सिक्कू सिंह डॉट जिप के फाइल जिप से नीचे वाला करना सर, assets dot zip ना। yes sir। चलो इसको होने दो जब तक हो जाएगा, जब तक हम आगे वाले करते हैं। मैं इसमें वीडियो को कैसे प्ले कराते हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से ये पड़ा हुआ है। ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर HTML में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और ये ज़्यादा नहीं है। ओके तो जैसे हमने क्या करा है यहाँ पे, इंबेड कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। इंबेड यूज़ करते हैं और इंबेड अगर मेरे को कोई ऑडियो या वीडियो प्ले करना है तो कैसे करेंगे? इंबेड टैग यूज करा और इसमें हमने दिया लोकेशन कि कौन से लोकेशन पर उसको डिस्प्ले कराना है। तो सोर्स में अब मेरे पास कोई होना चाहिए वीडियो, तो ये मैं इस मूवी को रखता हूँ, ये मूवी ज़्यादा बड़ा होगा, मैं इस मूवी को रखता हूँ, ठीक है, किसी फोल्डर में ले जा कर रखता हूँ, किसी भी लोकेशन से रख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है किसी से उस रखूँ मैं और यहीं रखो या फिर कहीं रखो, मैंने इधर ही रखा उसको, ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये प्ले कैसे कराना ब्राउजर पे, अभी तो हम लोग सीख रहे थे कि हम वीएलसी मीडिया प्लेयर पर प्ले करा रहे हैं या फिर ब्राउजर पर प्ले कर रहे हैं, तो ये हमें ब्राउजर पर प्ले कराना, किसी मीडिया प्लेयर पर नहीं करना। तो इस तरह को प्ले कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्बेडेड एम्बेड यूज़ करते हैं, वीडियो टैग आता है उसका यूज़ करते हैं। तो एम्बेड और सोर्स उस फाइल का नाम देंगे और रीच देना है कि 100% इसकी, यानी पूरे लेफ्ट और राइट साइड में पूरी स्क्रीन में फिल होके आएगा, और हाइट दे दिया 60। ओके टोटल 60 होगा, और चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो, इसे 50% भी कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, पहले इसको मैं मैं इसको ऐसे छोटा नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये था नाम दिया मैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ब्राउज करूँगा यहाँ से और इसे देखूँगा। अब इसकी टाइप देखो MP4 है, ठीक है, इस MP4 को अगर मैं प्ले कराऊँगा किस नाम से सेव करा, color.html, तो कलर्स ढूंढते हैं इसमें कलर, एक मिनट ढूंढना, आवाज सुनाई दे रहा था तुम लोग को? हाँ सर, एक्चुअली हैंग कर गया ना, इसी साउंड आ रहे थे तुम लोगों को क्या? हेलो, हाँ सर, इसकी साउंड आ रहे थे तुम लोगों को? नहीं, इसकी साउंड आ रहा था, तो नहीं आ रहा था ना साउंड तुम लोगों को, नहीं आएगा क्योंकि और मेरे ऑडियो के जरिए से ही आएगा और सिर्फ मेरे को सुनाई दे रहा है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ,
हाइट को और बढ़ाएंगे, ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, मैं इसको और बड़ा करता हूँ। अरे कुछ ज्यादा ही इसकी हाइट हो गई है, दिख रहा है ना? मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, मैं इसको 400 ही करता हूँ, ठीक है 400 काफी है। इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो अभी तो अभी मैंने प्ले नहीं करा, फिर प्ले करूँगा तो प्ले होने लगेगा। मैं इसे साउंड कट कर देता हूँ क्योंकि आपकी तेज आवाज़ आ रही है मुझे, शायद तुम लोग को समझ में नहीं आया, वीडियो तो देख पा रहे होगे तुम लोग। हाँ वीडियो देख, तो वीडियो हुआ ऑडियो हुआ हम आसानी से उसको प्ले करा सकते हैं, ये मेरे को अच्छे से सुन पा रहा हूँ। तुम अपने ईयरफोन में लगाओगे ना तो अच्छे से तुम लोग भी सुन पाओगे। तो क्या है ये, कैसे काम कर रहा है? ध्यान रहे कि जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कि इमेज के लिए काम करते हैं तो वैसे ऑडियो या वीडियो के लिए लगाएंगे, अगर वीडियो के लिए लगाएंगे तो वो प्ले होगा ऐसे ही। और इसकी हाइट है क्योंकि ये पूरी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरी पूरी स्क्रीन के साथ आएगा सिर्फ विथ के लिए, और ये हाइट है कि मेरा कितनी हाइट रखना उस स्क्रीन के लिए। ओके तो ये हुआ वीडियो, अब इसके अंदर ऑडियो भी करा सकते हो। इसके पहले मैं बता दूँ मार्क्यू क्या होता है, ठीक है मार्क्यू की स्कोप क्या होता है। मार्क्यू एक टैग होता है उसके भी लेफ्ट राइट हम यूज कर सकते हैं, मैं इसी कोड में मैं यूज कर रहा हूँ मार्क्यू। ज़्यादा हैवी हो गया इतनी तरह फोर क्लोज अदर, मार्क्यू जैसा हम लोग अभी प्रोजेक्ट में यही कर रहे थे, मार्क्यू कैसे करता है, जो कुछ इसमें मैसेज लिखेंगे जो टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट से की तरफ जाएगा, टेक्स्ट कहाँ से राइट से, यानी राइट से लेकर यहाँ से लेकर लेफ्ट की तरफ वो मूव करेंगे और ये चलते रहेंगे जब तक वो ब्राउजर ओपन है। अगर मैं इसी को रिप्लेस करूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज देखोगे ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं मार्क्यू। मार्क्यू टैग के अंदर हम टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं, ऐसे अप डाउन 50% इसमें साइज वगैरह दे सकते हैं, हर तरह का प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो मार्क्यू की विथ हमने दी था 50%, ओके मार्क्यू के अंदर ही, तो वो मार्क्यू के अंदर 50% देंगे यहाँ पर तो ये 50% पे ही आएगी सेम टेक्स्ट। अभी जो अभी कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, अभी ये चल रहा है ना यहाँ से पूरे लेफ्ट से राइट तक, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखना 50% से आ रहा है, तो 50% से आएगा, अभी बिल्कुल राइट से नहीं आएगा, 50% स्क्रीन से आएगा, अभी देखोगे आ रहा है यहाँ पर 50% से, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज 50% इसकी भी दे दिया, सेट कर दे के 50% ही होना चाहिए। आसान है समझ लो, हर तरह के प्रोग्राम में है इसमें। अब डायरेक्शन दे दिया है, ये राइट की तरफ ही जाएगा, ये अभी राइट की तरफ से आ रहा था, यहाँ लिखा दिस टेक्स्ट विल स्क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये राइट की तरफ से जाएगा, तो डायरेक्शन यहाँ दे दो। ओके डायरेक्शन मतलब राइट तक ही जाएगा यहाँ पर जो भी हम देंगे, यहीं पर कर ले, देख लो राइट की तरफ जा रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर एरर भी आता है, एरर तो देखो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है HTML, जिसमें एरर नहीं दिखाता, कंपाइल टाइम एरर जैसा हम लोग C++ में करते हैं, यह एरर नहीं आता है, डायरेक्ट वेब वैल्यू को वैसे ही फॉर्मेट एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। तो अब जैसे मैंने अब ड्रीमवीवर का जब यूज़ करेंगे यहाँ एरर भी पता चल जाएगा, जैसे मान लो हमने एक ज़्यादा यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, सेव कर दिया, ये लाइन देख लो 10 ये बता रहा है कि इस लाइन पर प्रॉब्लम है, ये कर रहा है स्पेशल करेक्टर मस्ट बी स्किप,
तो ये बताता है कि एरर कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, तो एरर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखो हमने हटा दिया, कोई एरर नहीं है इस कोड में, सिंपल से टेक्स्ट है। दूसरी चीज अब डायरेक्शन देखना, क्या अपना अप करना है, अप का मतलब होता है डायरेक्शन। अभी तो हमने क्या करा था, अभी हमने करा था पर्टिकुलर लोकेशन पे राइट करना था, अभी यहीं पे लिख दो अप या डाउन तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो टेक्स्ट है ऊपर की तरफ के लिए जाएगा, कंट्रोल से सेव किया मैंने, अब देखना उस साइज पे वो बार बार मूव कर रहा है। अब इसकी साइज को और ठीक कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ से वो टेक्स्ट मैसेज आएगा। एक और टेक्स्ट मैसेज है इसी के जैसे ही, ठीक है। अब वहां पर डाउन करो तो डाउन भी जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मेरे को बता दो, ये अब इसी के बेसिस पे हम लोग और करेंगे कि ये जो मार्क्यू है, मार्क्यू के अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे हम लोग। लेकिन ये लेआउट भी बता दूं, लेआउट भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेआउट क्या बनाना होता है कि जैसे ये कहूँ कि ये क्या है, ये भी एक लेआउट है, ओके। लेआउट कैसे बनाया जाए, अब ये जो है लेफ्ट में दिख रहा है ब्लू दिख रहा है, और ये टेक्स्ट के लिए हमने जो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है इसी के अंदर हम कुछ एंट्री कर सकते हैं इस वर्ड के अंदर। तो ऐसे लेआउट अगर मेरे को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो टेबल के फॉर्म से बना सकते हैं, लेआउट को यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना वर्ड है उन्हीं का यूज करके बनाएंगे। तो टेबल को यूज करके लेआउट कैसे बनाया जाए ये सीखेंगे आज के टॉपिक में, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसे लगता है लेकिन है आसान। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम करा है, यहाँ पर जो हमने बना रखा बॉडी बनाया, बॉडी के अंदर सारी चीजें, एक टेबल बनाना है विथ रखना 100%, 100% का मतलब होता है लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड पूरी ब्राउजर में फिल होता है, बॉर्डर कोई नहीं दिया, जियो ऑप्शनल है, कोई ना। रो बनाया और रो के अंदर हमने कुछ ऐसे करा है, फॉल्स स्ट्रिंग याद होगा कि दो कॉलम के बराबर होंगे, दो रो के बराबर कॉलम होंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा रखा हमने, ओके बैकग्राउंड कलर हमने ऐसा कलर रखा हुआ, और लिखा है दिस इज अ वेब पेज मेन टाइटल हेडिंग के लिए यहाँ पे बना रखे हैं। फिर दूसरी रो बनाया, ये एक रो बनाया हेडिंग के जैसे दिखेगा वो, और दूसरी रो बनाया, और दूसरी रो के अंदर हमें क्या कौन सा कलर रखा है, अब ये कौन सा कलर है, ओके ये भी कुछ वैसे ही है ग्रे कलर का, उसकी विथ हमने 50% ही रखा है। अब उसमें हमने कुछ ऐसा लिखना है, कोई मैसेज लिखना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमने सब पे ब्रेक लगाया हुआ है ना, ठीक है ध्यान देना, हमने ये बोल्ड करा हुआ है। यहाँ पहले आउटपुट देख लो, ये देख रहे हो ये लेआउट है, ये हेडिंग के लिए लेआउट है, और इसको हम सेपरेट कर दिया है। मान लो 30% है, 40% है, और बाकी 70% या 60% जो भी है, और नीचे भी एक लेआउट है। तो इस तरह का लेआउट अगर बनाना हो ऐसा, ऑफकोर्स इसकी जरूरत पड़ती है तो हम बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। जो हमने पेज बनाया था अभी बना रहे थे हम लोग, उसको हम लेआउट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो और अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे। ये लेआउट हमने यूज करा है HTML का यूज करके, कलर का यूज करके, टेबल का यूज करके बनाया हुआ लेकिन इसको CSS से बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग CSS अभी नहीं जानते हैं, HTML ही जानते हैं, तो HTML का यूज करके अच्छे तरह से किसी लेआउट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। तो अगर ये बनाया कैसे ये देखना है तो यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर कोड के अंदर गया हमने, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको कैसे करा हमने, यहाँ पर इसको बोल्ड करा, और हर लाइन बाई लाइन एक एक मैसेज HTML PHP पर्स के डिस्प्ले करा, फिर क्लोज करा, फिर दूसरी हमने बैकग्राउंड बनाया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट सेक्शन, ठीक है इसके लिए, ठीक है। ये एक रो है, ये एक कॉलम है, दूसरी कॉलम ये है, ठीक है। TD यूज करा है, ये इसी TR के अंदर यूज है, ध्यान रखना। ये जो कलर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रो एक ही चल रहा है, तो पहले के अंदर 50 विथ रखा है, अब यहाँ पर दूसरे कॉलम के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कलर कुछ और रखा, विथ दिया इतना दिया, और हाइट भी दे दिया इनका, और यहाँ पर हमने कोई मैसेज को डिस्प्ले कर दिया, ये दूसरी कॉलम क्योंकि रो एक ही है, ठीक है। अब जब ये रो कम्प्लीट होगा, अब देखो ये रो कम्प्लीट होगा, अब बात करेंगे इसकी कॉपीराइट TCA की। कॉपीराइट TCA के लिए हमने क्या यूज करा, एक रो बनाया, ओके TR, और हमने लिखा TD, और फॉल्स स्पेन हमने लिखा कि दो कॉलम के बराबर होंगे, होना चाहिए, और
बैकग्राउंड कलर जो भी कलर हमने रखना बैकग्राउंड वो रखा है, सेंटर में इस मैसेज को डिस्प्ले कराना है कॉपीराइट या एट द रेट ऑफ कॉपी, तो हम इसको डिस्प्ले करा के दिखा देंगे कि कैसे वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट हमने हॉरिजॉन्टली रखा और वर्टिकली भी डिस्प्ले कराया। क्या लग रहा है, हमने टेबल अगर अच्छे से पता हुआ तो आसान है इससे समझना, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर भी बनाया, कलर का कोड भी देखा है, विथ और हाइट भी दिखा। इसमें कुछ भी कुछ ऐसा जो टॉपिक लग रहा है जो नया है। वी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट। ध्यान रखना, ये जो हमने रो बनाया ना इसके, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है। बताओ आशुतोष शिक्षु। यस सर। समझ में आया आशुतोष? हाँ सर, हाँ सर। इससे देखो जितना मैं प्रैक्टिस कर यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ ना, किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है, घर पर प्रैक्टिस करना है और देख देख के हर एक कोड को देख देख के प्रैक्टिस। जब देख के करोगे, ट्राई करोगे ना, तो दिमाग में चलेंगे तुम क्या कर रहे हो। इससे फायदा होगा कि तुम समझते हुए करोगे। किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है, तुम अपने से और प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छा चीज होगा। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा। एक और है, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स लेआउट कैसे यूज करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा और मॉडिफाई करा हमने, इसे भी कर लेना तुम लोग। स्कैन वगैरह में स्कैन तो तुम लोगों को बताया है ना, स्पिन डिवीजन बता दिया ना तुम लोगों को? नहीं सर, बताया नहीं सर, बता दिया था। वर्टिकल में अभी जब हम कई सारे हम ऐसे कई सारे साइट है ना जो हम लोग पेज को विजिट करते हैं, तो कंटेंट सिर्फ इधर ही दिखता है। यहाँ पर उसके हेडर, यहाँ पर उसके कंटेंट रहते हैं। टॉपिक वाइज कोई भी ट्यूटोरियल्स हम पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ना है तो उसके इंग्लिश के अपने चैप्टर होते हैं, चैप्टर वाइज उनके अपने कंटेंट। कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज उनके सब कंटेंट क्या होते हैं, और यहाँ पर उनके कंटेंट डिस्प्ले होते हैं। राइट साइड में भी चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कुछ साइट में एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर रिप्ले छोड़ देते हैं उनको। जैसे अगर मैं अगर कोई साइट पे आप ओपन करो, डिस्कनेक्ट, कोई साइट यहाँ ओपन करो, इसमें होगा कि नहीं, होना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले करा हूँ, लेकिन ऐसा करा जाता है जनरली, बहुत सारे ऐसे साइट ओपन में रखा जाता है। ब्राउजर को रिसेट करना होगा। जो भी हो, मेरा मोटो ये है कि यहाँ पर हम एड्रेस पेज करने के लिए गूगल एडसेंस से कराना हो, एड्रेस भेजवाना आना हो, तो हम यहाँ पर ऐसा प्लेस छोड़ देते हैं कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर आके मेरे वेबसाइट को पेज को एक्सेस करता है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इस जगह पर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखता है, या खुद हम अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले करा सकते हैं। मोटो यही होता है। कैसे हो रहा है पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ समझ लें, यहाँ टेबल है, ठीक है, यस सर।
क्लोजिंग यहाँ पे टेबल का, टेबल को ओपनिंग क्लोजिंग है। यहाँ पे वर्टिकल के लिए हमने एक रो बनाया और इसकी क्लोजिंग यहाँ है, यानी जो एक ही होकर हो। देखना टेबल करना हमने एक सिर्फ एक ही टी आर यूज करा है ना, तो सिर्फ एक ही रो होंगे, ये एक ही रो है और इसके अंदर बहुत सारे अपने अपने वैल्यू दिए हुए हैं, तो सिर्फ एक ही रो कैसे हैं। तो अब इसमें क्या क्या है कि जब टेबल हमने एक रो बनाया तो वो भी वर्टिकल होंगे, टॉप से टॉप ही दिखेंगे। अब टी डी पहली कॉलम कितने टी डी है, एक एक दो तीन, तीन ही कॉलम है। और इसमें कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक दो एंड तीन, साइज अलग अलग है तो देखेंगे साइज कैसे कैसे होता है। तो देखो पहली टी डी में कलर हमने क्या रखा, ये कलर रखा है ग्रे टाइप का, विथ दे दिया 20%। देखना ये 20% ये जो आ रहा था 20% ये है और लास्ट वाला 20% ये है, ये जो बीच में काफी स्पेस दिख रहा था ना वो कितना है 50%, यानी ये 60% है 20-20, यानी हुआ कि नहीं 100%, हुआ कि नहीं यहाँ पर विथ 100%। तो ये ऐसे ही होता है। और इसमें हमने ये भी लास्ट वाले प्रोग्राम में हमने देखा था कैसे मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एच आई विथ दिया है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया हुआ हमने। तो ये लेआउट है वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टली मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो ये भी करना, तुम लोग नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर से इसको रिमाइंड करूंगा। डिवीजन क्या है, ये कलर वाला है, एक्चुअली कलर मैंने बता दिया तुम लोगों को, डिवीजन है मैं बता देता हूँ डिवीजन कैसे ये वर्क करता है। पेन एंड डिवीजन लास्ट प्रोग्राम है, और ये वाला कलर मैंने बता दिया था तुम लोग को पहले, ये लास्ट में रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये बॉडी का हमने रखा, डिवीजन होता क्या है। अब डिवीजन में आई थिंक याद आ रहा होगा तो मैंने बताया होगा, कई सारे पैराग्राफ का कलेक्शन हम डिवीजन में रख सकते हैं। जैसे मेरे को एक डिवीजन बनाना है, उसमें कई सारे पैराग्राफ है, ओके एक ग्रुप बनाना, डिवीजन मतलब क्या ग्रुप हो सकता है। अब मान लो हमने यहाँ पर एक ऐसे डिवीजन, एक हेडिंग बनाना है कुछ इस तरह का, ठीक है यहाँ पर कुछ लिखो, ठीक है ये हेडिंग हो गया है किसके अंदर, एक डिवीजन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ, ये एक पेज के अंदर हम कई सारे डिवीजन बना सकते हैं, एक डिवीजन ये है एक डिवीजन ये है। अब यहाँ पे जो मर्जी वो लिखो, और यहाँ पर जो भी लिखना हो, तो एक पेज के अंदर कई सारे, तो एक डिवीजन बनाने के अंदर हम बहुत सारे चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ना तुम लोग, हमने जो डिवीजन बनाया ना, ये एक डिवीजन है और डिवीजन के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक सिंपल सब पेज लिखा है, एक्चुअल में दिस इज वेब पेज मेन टाइटल। और ये स्टाइल सीएसएस में बताऊंगा स्टाइल क्या होता है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होता है, बैकग्राउंड हमने ये कलर लगाया हुआ। मैं इस पेज को सेव करके मैं डिस्प्ले कराऊँ, ये जो नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे सिंपल पेज बनाओ, फिर यहाँ पे ओपन करो, एक मिनट अभी कॉल करता हूँ। तो इसको सेव करो,
html कहाँ सेव करा है इसको ठीक है आ गया यहाँ पे अब देखो उस पिछले वाला ही कोड को हम कैसे कर रहे हैं तो ये क्या है ग्रुप बना है ग्रुप के अंदर एक मैसेज को लिखा है ओके अब ये भी एक डिवीजन बना है ये भी एक डिवीजन बना किसी डिवीजन के अंदर हमने कैसे किसी मैसेज को लिखा हुआ तो ये डिवीजन हमने कैसे लिया हुआ पे देखो देखो ये डिवीजन है ये बॉडी है और डिवीजन की क्लोजिंग यहाँ पे तो डिवीजन का हमने बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है यहाँ पे और विड्थ हमने दे दिया है इसका ओके विड्थ दे दिया और इसके अंदर हमने लिखा है कि दिस इज माय मेन पेज या मेन टाइटल फिर दूसरी डिवीजन बनाया हुआ है तो दूसरी डिवीजन के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया कुछ इस तरह से दिया है तो ये इसके अंदर ही आता है ठीक है इसके अंदर हमने लिखा है क्या मेन ओके मेन मेनू एचटीएमएल पर्ल ओके जो भी मैसेज मेरे को लिखना है यहाँ पे ठीक है ये वाला है तो मेरा कहने क्या मतलब है कि एक टेबल के जरिए से हमने डिस्प्ले कराया एक डिवीजन के जरिए से डिस्प्ले कराया तो डिवीजन में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं चाहे कोई इमेज ही क्यों ना इमेज को भी डिस्प्ले करा सकते हैं हर चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं जब हम सीएसएस पढ़ते हैं तो पूरा टेबल में कम होता है क्योंकि वो तरीका नहीं है टेबल में डिस्प्ले कराना हम डिवीजन के फॉर्म में कर सकते हैं और उसको ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग कलर दे सकते हैं टेबल के जैसे ही दिखेगा लेकिन होते हैं डिवीजन तो डिवीजन को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं ये जब सीसेस आएगा तो अच्छे से मैं बताऊंगा तुम लोगों को ठीक है आज की क्लासेस तुम लोगों को इतना ही रखता हूँ लेकिन ये जो है ना पेज मैं तुमको फिर से भेज दूंगा आशुतोष जो मैंने तुम्हें सेज करा था मैं इसको भेज दूंगा और मैं देखूंगा कि ये क्या बना ये क्या करी थी शिकु सिंह ने क्या भेजा था उसको कोर्ट में देखूंगा थोड़ी इंटरनेट की इशू आ रही है मेरे तरफ ठीक है तो मैं बताता हूँ आज की क्लासेस इतना ही रखते हैं ओके।